अरेस्ट करना चाहिए जिन लोगों के लिए सेल किया जाता था, ये उन लोगों की पाई पता लगाना चाहिए। यहाँ आएंगे तो डीसी साहब और एसपी साहब आपके सामने आए हैं, ये जो कार्रवाई हुई है उनके खिलाफ वो भी बताएंगे और जो कार्रवाई बाकी है वो भी बताएंगे, और जो आपके सेंटिमेंट्स हैं आपके माध्यम से उनको सजा मिलनी चाहिए और कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। इसीलिए तो यही हम डीसी साहब से सुनना चाहेंगे। देखिए ये बड़ा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था, उसको कंडेम करते हैं और हमने इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की है। अभी तक 5 लोगों को हमने बुक किया है, एक जो एसोसिएट था वो फरार है, उसको भी जल्द पकड़ा जाएगा। एक नहीं सर, अभी 2-3 हैं। जो भी होगा हम पूरा बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंक इसमें पूरी हम कार्रवाई करते हैं, इसमें बहुत तह तक जाते हैं हम। इसके अलावा भी जो वाइन स्मगलिंग करते हैं उनके खिलाफ हमारी कार्रवाई चल रही है। जो गाड़ियाँ इससे पहले इन्वॉल्व थी वाइन स्मगलिंग में, उनके रूट परमिट RC जो भी है वो कैंसिल करवाए हैं, सस्पेंड करवाए हैं। आगे भी हमारी ये कार्रवाई चलती रहेगी और इस साल हमने वाइन स्मगलर बहुत से बुक किए हैं और रेस्क्यू भी किया है, इसमें किसी किस्म की कोई कोताही नहीं की जाएगी। हर किस्म की जो सज़ा मिलेगी उनको वो दी जाएगी, और इसमें आप यहाँ तक नहीं हम ठहरेंगे, कहाँ से आया कहाँ जाना था, बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंक हमारा एक प्रोसीजर होता है इन्वेस्टिगेशन का, हर एक को हम कानून के दायरे में लाएंगे और उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो इस पर हम पूरा आश्वासन दे रहे हैं, इसमें कोई वो नहीं है। आपसे ज़्यादा चिंता हमें है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम होती है तो हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। PSA की भी कार्रवाई होगी, हर जगह होगी। इससे पहले मैं जिला डोडा में था, वहाँ भी मैंने 8 PSA लगाए थे इसमें, और गाड़ियाँ भी जो हैं सस्पेंड, उनके RC और उनका जो रूट परमिट है वो भी करवाया, और यहाँ भी वैसी ही कार्रवाई चलेगी। इसमें कोई किसी किस्म की ना मेरा कोई ऑफिसर कोताही करेगा, कोई किस्म का अगर आपको लगता है कि कोई पुलिस वाला इन्वॉल्व है उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी, मैं किसी को इसमें नहीं बख्शता हूँ। तो बाकी दूसरा बोलेंगे आप जो भी, बिल्कुल FIR कॉपी भी, हर चीज आपको मिलेगी, हर चीज मिलेगी, बिल्कुल आसिम नाइक के खिलाफ तो पर्चा लगा। हिंदू समाज जो हमारा है वो पूरा मन तरीके से यहाँ पर